मेरी यही आगे की रणनीति होगी कि सभी से मिलकर उनके उनके समस्या को मैं निदान करूंगा। कोई भी आम आदमी को अगर नगर परिषद और कोई भी संस्था है, कोई भी अगर संगठन अगर घूस मांगेगा, इस पर बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। नमस्कार, आप नेशन न्यूज़ देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कुमार। देखिए, इस वक्त हम अंचल कार्यालय झाझा के परिसर में मौजूद है और आपको पता है कि नामांकन का आज बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर झाझा नगर परिषद का जो है मतदान होना है और ऐसे में झाझा नगर परिषद के चुनाव को लेकर आज नामांकन का चौथा दिन है और ऐसे में निवर्तमान उप मुख्य पार्षद संजय कुमार यादव और उनकी पत्नी डॉली देवी जो है वार्ड नंबर 15 से दावेदारी करेंगी और तमाम लोग नॉमिनेशन के लिए आज आए हुए हैं। हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे, उनके समर्थक मौजूद रहे और जमकर नारेबाजी करते नजर आए। संजय कुमार यादव से भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया है और उनके भाई समाजसेवी राजीव यादव उर्फ गुड्डू यादव के साथ हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। किसी का नाम लेना मुश्किल होगा क्योंकि हजारों लोगों का नाम लेना वाकई संभव नहीं है और ऐसे में तमाम लोगों का एक ही नारा था कि संजय यादव के नेतृत्व में झाझा का विकास जो एक बार फिर से संभव हो पाएगा। क्योंकि आपको पता है कि पहले ये नगर पंचायत था और अब नगर परिषद में उसका उत्क्रमण हो गया है और उसके बाद विकास की जो धाराएं थी वो अब काफ़ी तीव्र गति से चलेंगी। इसको लेकर आज नॉमिनेशन के चौथे दिन संजय कुमार यादव ने अपना पत्र नामांकन पत्र जो है वो भरा है और समर्थकों के साथ भारी संख्या में जो लोग मौजूद थे सभी ने अटूट विश्वास के साथ ये बयान भी हम सभी को देने का प्रयास किया मीडिया कर्मियों को कि संजय यादव के नेतृत्व में जिस तरह से विकास की धाराएं होती आ रही, चूंकि पता है निवर्तमान उप मुख्य पार्षद के पद पर रहे हैं, उप मुख्य पार्षद रहते हुए भी उन्होंने कई तरह के विकास के कार्य किए और अब मुख्य पार्षद का उन्होंने पर्चा भरा है। चूंकि अब जो जनता चेयरमैन को चुनेगी वो डायरेक्ट रूप से पोल कर चुनेगी, पहले वार्ड पार्षदों के माध्यम से चुना जाता था, अब जनता के माध्यम से चुना जाएगा। तो वाकई इस बार का जो चुनावी एजेंडा होगा वो काफ़ी अलग होगा और हजारों लोग किस तरह से मौजूद थे पहले इस रिपोर्ट में देखिए आपकी किस तरह से संजय यादव और उनके समर्थकों से हमने जब बातचीत की तो क्या कुछ बातें निकल कर आई और जो भीड़ है आखिर ये भीड़ बयां क्या कर रही है? हमारे साथ संजय यादव जुड़े जम्मू के चेयरमैन के लिए जो आज का नामांकन किया, सर क्या कुछ लग रहा है, जीत के प्रति कितना आसान भी है? ये तो आप लोग तो देखे हैं कि जनता का हमको अपार समर्थन मिल रहा है। तो क्या कुछ लग रहा है सर, झाझा की रणनीति या फिर झाझा के विकास के लिए क्या पैमाना आपने तय किया? देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि जितनी भी सरकारी योजना है वो जनता के द्वार तक जाए। पहले भी आप उप मुख्य पार्षद निवर्तमान रहे हैं और क्या लग रहा है, क्योंकि पहले जनता सीधे तौर पर मतदान नहीं करती थी, अब करेगी और क्या कुछ विकास की धाराएं होंगी, चूंकि पहले नगर पंचायत था अब नगर परिषद भी बन चुका है? देखिए, पहले तो वार्ड पार्षद चेयरमैन और उप चेयरमैन को बनाते थे, अब तो जनता सीधे अपने चेयरमैन और उप चेयरमैन और वार्ड पार्षद को चुनेगी और मेरी यही आगे की रणनीति होगी कि सभी से मिलकर उनके उनके समस्या को मैं निदान करूंगा। अभी भी सरकार की कई योजनाएं संजय जो जमीन पर नहीं उतर पाई, तो क्या कुछ लग रहा है? उसको हम उतारने का कोशिश करेंगे। नल की स्थिति बहुत खराब है झाझा में। हाँ, ये तो है, उसको हम सर्वे कराकर उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। समस्या जाम का, बस स्टैंड बना हुआ है, करोड़ों का प्रोजेक्ट है, नहीं हो पा रहा है। आपने भी बहुत बार प्रयास किया है और उद्घाटन में स्वयं भी आप मौजूद थे, तो क्या कुछ लोगों को निजात मिलेगा? देखिए, इसमें हम पहल कर बस स्टैंड को वहाँ पर ले जाएंगे, प्रशासनिक मदद करेंगे। संजय जी, संभवतः बिहार का पहला झाझा का बस स्टैंड है जहाँ बस नहीं है लेकिन स्टैंड है। तो नहीं लग रहा कि सरकार की राशि का जो दुरुपयोग किया गया, आज तक एक टेम्पो तक एक टोटो तक मैंने वहाँ नहीं लगता। तो इस बार फुल प्रयास रहेगा कि वहाँ पर उसकी व्यवस्था की जाए। आप उप मुख्य पार्षद रहे हैं, ऐसे में आपने जो भी झाझा के विकास में अपना योगदान दिया है और अब जो विकास होगा तो क्या लग रहा है कि दोगुनी गति से विकास होगा? चूंकि दोगुनी ने चौगुनी गति से विकास होगा। चलिए गुड्डू यादव जो है, जिस तरह संजय यादव में नामांकन किया, जीत के प्रति कितना आसान भी थे गुड्डू? नहीं, जीत के प्रति आसान नहीं है, लेकिन मेरा तो आप लोग देख ही रहे हैं मीडिया बंधु कि हम लोगों का नॉमिनेशन में हरेक वर्ग, हरेक जात, हरेक लोग ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और चुनाव तो आसान नहीं होती है बॉस, ये तो बहुत इसका अभी कठिन परीक्षा अभी बची हुई है। मैं अपने कार्यकर्ताओं से, अपने लोगों से, अपने आदमियों से आह्वान करना चाहूँगा कि ये लोग अपने तन मन से हमें सहयोग करें और आगे 5 साल तक, 10 साल तक, 20 साल तक हम लोग सेवा करते रहते हैं और हमेशा मैं तो मतदाताओं से और लोगों से सिर्फ 4 दिन मांगता हूँ, 1 दिन नॉमिनेशन में
और 3 दिन चुनाव में, 5 साल तक अनवरत सेवा जारी रहेगा। और मैं आश्वस्त करूंगा आप लोगों के माध्यम से, मैं आह्वान करूंगा झाझा की जनता से कि आपके द्वार पर नगर परिषद आपके द्वार पर रहेगा। एक बार भी अगर आप सभी लोग आवाज़ देंगे और तो आपकी सेवा में रात के 12 बजे भी हम लोग हाजिर रहेंगे। और मेरा तो खैर आप लोग जानते ही हैं, हम लोग यहाँ पर सेवा करते रहते हैं और ये चुनाव क्या है, चुनाव के बाद भी और चुनाव से पहले भी अनवरत रूप से हम लोग कार्य करते रहते हैं गरीब वंचितों शोषितों के लिए, ये तो आप देख ही रहे हैं। सर इस बार विकास की धाराएं बहेंगी? विकास तो नगर पंचायत रहते हुए भी झाझा की साफ सफाई देखिए या लाइट की व्यवस्था देखिए ठीक ही है, लेकिन ये चुनाव के बाद बहुत से मामलों में आमूलचूल परिवर्तन आएगी नगर परिषद को में। और घुसखोरी जो है, घुसखोरी को तो जड़ से हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे, ये आह्वान है हमारा, ये हम लोग का संकल्प है। मतलब आपका गुड्डी के भ्रष्टाचार मुक्त शासन रहेगा? भ्रष्टाचार रहेगा, और कोई भी आम आदमी को अगर नगर परिषद और कोई भी संस्था है, कोई भी अगर संगठन अगर घूस मांगेगा तो इस पर बहुत कड़ी कार्रवाई हम लोग।